आज हम एक नए वर्ड को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। रैशनल नंबर में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? वो प्रॉपर्टी है, अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे कि ये रैशनल नंबर, द रैशनल नंबर इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? अ रैशनल नंबर p by q इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ q इज पॉजिटिव and the common factor between p and q is 1, or one can say the HCF of p and q is 1. Like देखो यहाँ पे एक रैशनल नंबर है p by q, where q is always positive. अगर तुम्हें ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है तो क्या करना है? The q is positive sign, it is always positive, and जो p by q होगा, p और q का जो HCF होगा और GCD, HCF of PQ equals to 1. मतलब p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा। जैसे कि देखो, अगर हम एक एग्जांपल लेके तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, 5/25 इट इज इन द फॉर्म p by q, बट देखो 5 एंड 25 में एक कॉमन फैक्टर है, वो है 5। So, इसको तुम कैंसिल कर पाओगे, सो ये क्या हो जाएगा, 1/5। सो मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। और सपोज और एक एग्जांपल देके तुम्हें समझा रहा हूं कि देखो 4/12 -12, 4/-12 अनदर नंबर इज देयर। यहां पे देखो दो क्राइटेरिया तुम्हें याद रखना है, ये फर्स्ट वन, ये सेकेंड वन। क्या जो q को पॉजिटिव करना है, फर्स्ट वन तुम्हें देख के ये पता चल जाएगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। q को देखो पहले, q अगर पॉजिटिव है चलो ठीक है, और उसके बाद उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं। जैसे कि 4 एंड 12 ये जो रैशनल नंबर दिया गया है, इसमें q नेगेटिव है, इसको पहले ही पॉजिटिव बना दो। मतलब नीचे को दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये +12 हो जाएगा, -, और ये +-, आप देखो 4 एंड 12 में एक कॉमन फैक्टर है, वो है 4 इटसेल्फ। सो इसको अगर तुम कैंसिल करोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 1, दैट मींस 1/3 इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। चलो फिर यहाँ पे कुछ सम दिया गया है, उसको सॉल्व करते हैं। वर्कशीट 3 में जो फर्स्ट सम दिया गया है वो है राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन, यू कैन सी यहाँ पे 64 एंड 20 में कॉमन फैक्टर है, एकदम है, वो है 4, और जो है माइनस, देखो डिनोमिनेटर में क्या है, ये माइनस साइन दे है, तो इसको पहले तुम्हें पॉजिटिव बनाए, कुछ सोचना नहीं है, पहले इसको पॉजिटिव बनाओ। तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बोथ बाय -1। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज नेगेटिव, सो क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना है, इक्विवेलेंट नंबर यू नो। अगर न्यूमेरेटर को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। सो दैट इज -+-, सो व्हाट टू डू, फर्स्ट झमेला हटाओ, दैट इज -64 डिवाइडेड बाय अगेन -+20, सो -64/20। नाउ यू कैन सी 64/20 में कॉमन फैक्टर है, वो है 4। अगर तुम्हें डायरेक्टली तुम ये फाइंड आउट, ये तुम नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, तो जस्ट क्या करना है, इसका एच से फाइंड आउट करो। जो दो नंबर दिया गया है, जैसे कि 64/20, इसको पॉजिटिव नंबर सोच के इसका एच से फाइंड आउट करो। फाइव, और ये इन दोनों में 16 एंड 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब इसका एच से क्या है, 2 × 2 = 4। So, दोनों नंबर को क्या करना है, 4 से डिवाइड कर दो, सो HCF आ गया 4, और इसी नंबर से दोनों को डिवाइड कर दो जो तुमने इसके पिछले वर्कशीट में किए हो, दैट इक्वल्स टू -16/5। एक चीज यहां पे देखो, ये जो नीचे है ना 16 एंड 5, देखो ये आ गया, सो तुम अगर इसका इससे फाइंड आउट कर सकते हो तो कर लो। जो नीचे होगा, जो ये नंबर जो पहले इसमें न्यूमरेटर यहाँ है,
तो ये न्यूमेरेटर होगा नेक्स्ट न्यूमेरेटर में, और इसमें डिनोमिनेटर है सो यहाँ पे डिनोमिनेटर ये आएगा आंसर। जो तुम्हारा आंसर था 64 एंड 20, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 16 एंड 5। नाउ नेक्स्ट, फाइंड एक्स इन द रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बिकम इक्विवेलेंट। तो उसका एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कैसे करोगे देखो। टू में सपोज आई एम टेकिंग टू नंबर क्वेश्चन, दैट इज 8/7 वन नंबर है और इधर एक और नंबर है एक्स बाई माइनस 35। ये क्या गया है कि ये दो नंबर इक्विवेलेंट है, मतलब क्या है दे आर इक्वल, मतलब तुम्हें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो सो 8 से 35 को मल्टीप्लाई करो और x को 7 से, सो 8 इंटू माइनस 35 इक्वल्स टू, सो अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 280 आएगा और 7 इंटू एक्स दैट इज 7x। सो अब इक्विवेलेंट मतलब ये दो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगा, सो 7x इक्वल्स टू माइनस 280, सो x इक्वल्स टू माइनस 280 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 40 माइनस, सो x इक्वल्स टू माइनस 40। सिंपली क्या करना है तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस 8 से माइनस 35 को और 7 से x को, दैट्स इट। चेक whether the following rational number are in standard form or not, if not write them in the standard form. Two number question 4-2, it is written 4/-7, so dekho ye jo iska new denominator hai wo negative hai, so ye standard form mein nahi hai kyunki hame do cheez yaad rakhna hai, inme koi common factor hai ya nahi aur denominator ko kya karna hai positive karna hai, so kya karoge isko माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दोगे। नाउ इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म 4/7 इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। एंड नाउ फोर नंबर क्वेश्चन, सॉरी दिस इज थ्री नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। चलो आई एम डूइंग 7 नंबर 4-1, 2/7 इक्वल्स टू 8/10 इक्वल्स टू 63। सो तुम ये एक काम कर सकते हो कि इनको इन दोनों को यहां पे तुम्हें इसका वैल्यू फाइंड करना है, सो आई कैन टेक दिस इज x, सो इसको सेपरेट से करो 2/7 इक्वल्स टू 8/x, और ये 2/7 जो फुल नंबर दिया गया है उसके साथ इसको करो, सो आई एम टेकिंग दिस y इक्वल्स टू y/63। आप देखो ये जो सम है वो क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम सेम जैसा है, तो इसको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से x को मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आएगा और 8 को 7 से करोगे तो 56 लिख सकते हो, क्योंकि ये कैंसिल होगा इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख दिए। सो अब x इक्वल्स टू क्या आएगा 7 × 8/2 4 दैट मींस 28, और यहां पे देखो सेम 7 × y क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू 2 × 63। फिर से हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि नेक्स्ट में ये कैंसिल होगा, जैसे y इक्वल्स टू 2 × 63, चलो इसको हम इधर लिख देते हैं y इक्वल्स टू 2 × 63 डिवाइड 7 होगा, क्योंकि ये यहाँ पे देखो ये इंटू है, सो अगर इसको इस साइड में ट्रांसपोज करोगे तो डिवाइड होगा, सो डिवाइड 7, 7 × 9 = 63, 18, सो y का वैल्यू आ गया 18 और x का वैल्यू आ गया 28, x का वैल्यू था 28। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड इसके बाद में हम वर्कशीट 4 का काम करवाएंगे, तो तब तक के लिए गुड बाय।